कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। तो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने इस गेम को प्ले किया था, तो इस गेम को लेके मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव रहे थे कि भाई इस गेम का नेम बताओ और इसका डाउनलोड का तरीका बताओ। तो आज मैं आपको इसका डाउनलोड का तरीका भी बताऊंगा और इस गेम का नेम भी बताऊंगा। तो आपने जो वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना है, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो इस गेम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको मैंने कार्स का रिव्यू दिखाया था। आज हम इसका बाइक का रिव्यू करेंगे। इसके अंदर जितनी भी इंडियन बाइक्स हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो नंबर वन पे आपको बुलेट नज़र आ रही, जो कि भाई साहब हमारा फ्रैंकलिन करेक्टर इसको ड्राइव कर रहा है। तो कितनी ओपी किस्म की भाई इसके अंदर इंडियन बाइक्स मिल जाती हैं। इसके अलावा सुपर बाइक्स भी हैं, तो आपको मैं सभी बाइक्स का रिव्यू करवा के दिखा देता हूँ। तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं। इसके बाद जो हमें बाइक्स मिलती है वो कौन सी है सेकंड नंबर पे? वो है हमारी KTM। जी हाँ गाइस, तो ये देख लो हमारी KTM जो है इसके अंदर हमें मिल जाती है। तो इसको हम अभी चला लेते हैं। तो ये देख लो भाई साहब, KTM कितनी ओपी किस्म की है। और भाई इस गेम के ग्राफिक्स जो है बहुत ही रियलिस्टिक हैं। अभी हम अपनी KTM को इस सिटी के अंदर ड्राइव करके देख लेते हैं और इसका स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो लेट्स गो। ओ भाई साहब, कितनी ओपी किस्म की इसके अंदर वन व्हीलिंग होती है, तो ये भी काफ़ी गुड ऑप्शन है। तो लेट्स गो, 1 2 3 एंड गो। तो अभी हम इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई साहब, कितनी ओपी किस्म की हमारी KTM जो है इसके अंदर ड्राइव हो रही है। ओ भाई साहब, कितनी खतरनाक किस्म की जो है हमारी KTM ने जो है कर दिया। ओ भाई, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, तो अभी अपनी KTM को लेके चलते हैं उस लोकेशन पर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बाइक है उसका रिव्यू कर लेते हैं। बाकी आप देखो भाई, कितनी ओपी किस्म की इसके अंदर हमारी KTM जो है चल रही है। तो इसके अंदर भाई वन व्हीलिंग का भी ऑप्शन है, तो कंट्रोल्स के साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर वन व्हीलिंग हो जाती है। तो भाई साहब, क्या ही ओपी किस्म की इसके अंदर हमारी ये KTM मिल जाती है। तो अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं। तो थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि कौन सी हमें बाइक मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको पार्क कर लेता हूँ। तो भाई साहब, आप देख ही पा रहे होंगे थर्ड नंबर पे जो बाइक मिलती है वो है हमारी डक बाइक। मज़ा आया। ओ भाई साहब, ओपी किस्म की ये बाइक है, तो मेरी तो मोस्ट फेवरेट है भाई साहब। अभी इसको हम चला लेते हैं सिटी के अंदर, लेट्स गो। तो ओ भाई, जल्दी से यार लाइक कर दो। अगर आपको इसके अंदर जितनी भी इंडियन बाइक्स हैं अगर अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक करो। बाकी हम अपनी डक बाइक का वन व्हीलिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स गो। ओ भाई साहब, ओपी किस्म की इसकी भी वन व्हीलिंग हो रही है, तो काफ़ी सही इसके अंदर ये भी राइड हो रही है और किसी किस्म का कोई लैग भी नहीं है। तो अभी इसको हम लेके चलते हैं दोबारा उस लोकेशन पर। इसके बाद जो नेक्स्ट बाइक मिलती है उसको देखते हैं वो कौन सी बाइक है। लेट्स गो। ओ भाई साहब, क्या ही ओपी किस्म की इसके अंदर मैंने ब्रेक की है। तो अभी मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, बस भाई बहुत होगी वन व्हीलिंग। तो अभी जो फोर्थ नंबर पर मिलती है वो है हमारी ये बाइक, जो कि सुपर बाइक है। तो इसका नेम क्या है ये मुझे नहीं आ रहा, अगर आपको इसका नेम का पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। बाकी रेड कलर की सुपर बाइक ये हमें मिल जाती है, तो काफ़ी ओपी किस्म की इसके भी ग्राफिक्स हैं और काफ़ी सही है इसके अंदर ड्राइव हो रही है। तो लेट्स गो, अभी इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ। और जो लास्ट में बाइक मिलती है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सी है। तो ब्लू कलर की उस साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, ये भी हमारी सुपर बाइक है। तो कुछ इस तरह से हमें ये जितनी भी बाइक्स हैं इसके अंदर मिल जाती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखो, मैं इस साइड पे इसको ले जाता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा चला लेता हूँ। तो ब्लू कलर की इसके अंदर ये भी सुपर बाइक हमें मिल जाती है, तो काफ़ी सही है इसके भी भाई, किसी किस्म का कोई लैग नहीं आ रहा और सही इसके अंदर ये चल रही है। तो भाई देखो, वन व्हीलिंग इसकी भी मैंने की है। तो ओ भाई, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, तो लेट्स गो, अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं अपनी इस लोकेशन पर। और इसके अंदर जो कार्स हैं उनको भी आपको मंगवा के दिखाऊंगा। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और आपको जो मैं इस गेम का नेम बता देता हूं, तो आप स्क्रीन पे देख ही पाओगे, इस गेम का नेम है इंडियन बाइक्स एंड कार्स गेम 3D। तो गाइस, इसका ये नेम है, जितने भी भाई मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में, तो फाइनली मैंने आपको इस गेम का नेम बता दिया। तो इस गेम के जो डेवलपर हैं वो है शिवाजी गेम्स। तो भाई साहब, कितनी ओपी किस्म की ये गेम लॉन्च हुई है, इंडियन गेम्स है। इसके अंदर जितनी भी इंडियन कार्स है वो हमें मिल जाती हैं, तो आपको मैं मंगवा के दिखा भी देता हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सारी कार्स का रिव्यू दिखाया था, तो इसके अंदर जितनी भी इंडियन कार्स है वो हमें मिल जाती है, जैसे कि हमारी फॉर्चुनर है वो भी इसके अंदर मिल जाती है, तो उसको भी मैं मंगवा लेता हूँ। तो लेट्स गो भाई साहब, ये देख लो, तो ये रही हमारी वाइट कलर की फॉर्चुनर। और आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, गुड न्यूज़, कि इसके अंदर कलर चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन भाई थोड़ा सा ग्लिच है क्योंकि न्यू गेम लॉन्च हुई है, अभी इसके अंदर ये कलर चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, मे बी नेक्स्ट अपडेट के अंदर इसको भी फिक्स कर दिया जाएगा।
तो नेक्स्ट अपडेट आने वाली है। अगर आपने कोई भी बाइक्स और कार्स ऐड करवानी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता। बाकी इसके अंदर में कैमरा चेंज करने की भी ऑप्शन मिल जाती है, तो तीन तरह के इसके अंदर कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं। तो बाकी यार हमारी फॉर्च्यूनर को देखो कितनी ओपी लग रही है, और अभी मैं इसको करवा लेता हूँ ड्रिफ्ट। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक किस्म की ड्रिफ्ट की है। तो आगे जाके इसके अंदर नेक्स्ट अपडेट आने वाली है जो कि आपको मैं बता देता हूँ। इस नेक्स्ट अपडेट के अंदर हमें मिले ट्रैफिक, जो कि ट्रैफिक इसके अंदर हमें नहीं मिलती। तो अभी जो है ओनली हमें कार्स और बाइक्स मिलती हैं और हमें सिटी मिल जाता है, तो जिसके अंदर हम अपनी जो है इस कार्स और बाइक्स को ड्राइव कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट के अंदर हमें इसके अंदर ट्रैफिक चलती हुई भी नज़र आ जाएगी। बाकी यार देखो कितनी खतरनाक किस्म की इसके अंदर स्पीड है हमारी इस न्यू फॉर्चुनर की। तो ओपी लग रही है भाई हमारी न्यू फॉर्चुनर। तो अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं। बाकी यार क्या ही खतरनाक किस्म की इसको मैंने यहाँ पे रोका है। तो अभी इसके अंदर जितनी भी इंडियन कार्स हैं उन सबको मंगवा लेते हैं। तो इस साइड पे आपको चीट्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितनी भी कार्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो जितनी भी कार्स हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, और किसी किस्म का इसके अंदर आपको चीट कोड नहीं मिलाना पड़ता। बाकी आपको बता दूं इसके अंदर स्कॉर्पियो जो है उसका भी आपको एक नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले दिखाऊंगा लास्ट में, तो आपने जो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है। बाकी अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज एक लाइक बनता है, जल्दी से लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ। बाकी इस गेम के अंदर हमें करेक्टर जो है वो फ्रैंकलिन वाला मिल जाता है, तो आपको ये कैसा लगता है जल्दी से मुझे बता दो। तो अभी इसको यहाँ पे मैं ले जाता हूँ और अपना जो है स्कॉर्पियो मंगवा लेते हैं, लेट्स गो। ये रही हमारी वाइट कलर की स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर मैं बैठता हूँ और आपको जो इसका गेम प्ले दिखाता हूँ, और आप इस गेम को 10 में से कितने नंबर दोगे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दो। तो ये देख लो भाई साहब ये रही हमारी स्कॉर्पियो। तो अभी मैं इस करेक्टर को जो है इसके अंदर बिठा लेता हूँ और आपको जो है स्कॉर्पियो का थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो देख लो भाई साहब कितनी ओपी लग रही है हमारी इंडियन स्कॉर्पियो। अगर आप स्कॉर्पियो को लाइक करते हो तो गाइज एक वीडियो को लाइक भी कर दो। तो ये देख लो भाई कितनी ओपी किस्म की हमारी स्कॉर्पियो लग रही है। तो आपको जो है इसका मैं छोटा सा गेम प्ले दिखाता हूँ, इसका स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं, लेट्स गो। तो ये सही मुझे लग रहा है रोड। ओ भाई साहब कितनी खतरनाक किस्म की इसके अंदर ड्रिफ्ट हो गई है। तो अभी मैं इसको सीधा लेके चलता हूँ और इसके एक रैंप है जिसके ऊपर इसको जंप करवाएंगे और नेक्स्ट सिटी के अंदर हम चले जाएंगे। तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ रिवर्स, तो सामने आपको रैंप नज़र आ रही होगा। तो 1 2 3 एंड गो, और अभी मैं इसको भगा लेता हूँ। तो लेट्स गो। ओ भाई साहब कितना ओपी जंप करवाया, और फाइनली मैं आ चुका हूँ उस सिटी के अंदर। तो काफ़ी ओपी किस्म का इसके अंदर ये सिटी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ग्राफिक्स भी काफ़ी रियलिस्टिक मिल जाते हैं। तो देख लो भाई साहब। तो आई होप कि आपको आज का गेम प्ले अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैंने आपको गेम का नेम बता दिया, जितने भी मुझसे भाई पूछ रहे थे कि इस गेम का नेम क्या है तो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया था, तो दोबारा भी आप देख लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।